हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। तो आज के वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 2 कंपलसरी इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, FC 203 कंपलसरी इंग्लिश। तो कंपलसरी इंग्लिश में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होगी उसके क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना होता है, जिसके जो मार्क्स होते हैं वो 8 रहेंगे। तो क्वेश्चन 1 में आपको ए और बी में दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। वो जो आप आंसर लिखेंगे वो आपका आंसर जो है वो लेंथी होना चाहिए, आपको उस क्वेश्चन को विस्तार से समझाना है। तो जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन 1 में आपको दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है लेंथ में। तो यहाँ पे आपके लिए दो क्वेश्चंस ही है, ये दोनों ही आपके लिए IMP क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो द कॉन्जरर्स रिवेंज बाय स्टीफन लीकॉक एंड द काबुलीवाला बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए एज अ IMP क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए एंड आपकी जो इंटरनल एग्ज़ाम होती है, जो कॉलेज लेवल एग्ज़ाम होती है, उसके लिए भी ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन को आप एज अ IMP क्वेश्चंस कंसिडर कर सकते हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि आपको तो एग्ज़ाम में एक ही लिखना है तो हम दो क्वेश्चंस को प्रिपेयर क्यों करें, तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको रिस्क ना लेते हुए दो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके पास 5 स्टोरीज है, उसमें से दो स्टोरीज को पूछा जाता है। तो रिस्क ना लेते हुए हम दो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए IMP क्वेश्चंस है। देन क्वेश्चन 1 के बाद आता है क्वेश्चन 2, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं शॉर्ट में, जिसका मार्क्स रहता है 10। टोटल 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में वो है, फर्स्ट वन इज़ हाउ वॉज द एग ट्रिक रूइंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रिक फैसिनेटेड द क्विक मैन इन द स्टोरी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द चाइल्ड्स फीलिंग व्हेन ही शो द क्राउड मूविंग टुवर्ड्स हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द बोल्ड रिक्वेस्ट द चाइल्ड मेड। देन व्हाट डिड द किंग एन्जॉय इवन इफ हिज किंगडम वॉज स्मॉल। एंड व्हाट वॉज द सोर्स ऑफ द किंग्स रेवेन्यू। नेक्स्ट शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज वाई मिनी वॉज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवालास बैग। देन वाई वॉज द काबुलीवाला सेंट टू जेल एंड वाई डॉक्टर्स ओपिनियन वॉज वैल्यूड। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में, शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जो लास्ट वन है वो है वाई डिड गोपाल वॉन्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट हिज स्टेट। देन क्वेश्चन 2 के बाद आएगा क्वेश्चन 3, जिसमें आपको ग्रामर पूछा जाएगा, जो भी आपके सिलेबस में दो ग्रामेटिकल टॉपिक्स है उनमें से आपको कुछ सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। टोटल 12 सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 10 लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको बता दूँ कि हम ग्रामर में आपको कोई भी IMP नहीं दे सकते, उसके लिए आपको जो भी टॉपिक है ओवरऑल टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको समझना पड़ता है, तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड करेक्टली उसका आंसर लिख पाएंगे। तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे हम ग्रामर में आपको कोई भी IMP नहीं दे सकते। सो क्वेश्चन 3 के बाद आएगा क्वेश्चन 4, जिसमें आपको कुछ कीवर्ड्स दिए जाएंगे एंड कीवर्ड्स के बेस पे आपको एक पैराग्राफ कंपोज करना रहेगा, जिसके मार्क्स रहेंगे 7। तो इस तरह से आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा एंड इस तरह से आपको कुछ कीवर्ड्स दिए जाएंगे। तो इन दिए गए कीवर्ड्स की हेल्प लेते हुए आपको जो भी आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना रहेगा, जो कि बहुत आसान होता है। सो आई होप ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये जो क्वेश्चंस है वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।